नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे कैसे एक जो इमेज होती है, जिसमें टेक्स्ट होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों ये इमेज है, इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें इसको जो है कन्वर्ट करना है एमएस वर्ड की फाइल में, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, हम इसको एडिट कर सकें ऐसा हमें बनाना है। क्योंकि जब हम इस तरीके की जो पीडीएफ भी होती हैं और जो इमेजेस होती हैं, उन्हें जब हम ऑनलाइन कन्वर्ट करने जाते हैं दोस्तों, तो वो सही से कन्वर्ट भी नहीं होते हैं, उनका अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाता है और वो कॉपी पेस्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा। गूगल ड्राइव के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि देखिए गूगल ड्राइव जो हम ओपन करते हैं, गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एक capture.jpg करके जो फाइल मैंने यहाँ अपलोड कर ली है। इस फाइल को आपको करना क्या है दोस्तों, इस फाइल को आपको जो है यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आता है ओपन विद, आपको यहाँ ओपन विद गूगल डॉक्स पर जाना है, इसके अलावा किसी ऑप्शन पर नहीं। गूगल डॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल गूगल डॉक्स में ओपन होगी, साथ साथ जो है वो पूरा टेक्स्ट आपका गूगल डॉक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा, किसी में भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और जो एक सिंपल सी इमेज थी दोस्तों, वो अभी आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे किस तरीके से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है, और अब आप उसको जो है आसानी से कॉपी पेस्ट भी कर पाएंगे। ये जो है थोड़ा सा समय लेगी, और जैसे ही देखिए ये आ गया है दोस्तों, ये आप ऊपर जो देख रहे हैं ये वो इमेज है जो हमने ओपन की है। अब आप जो है इसको ड्रैग कर जैसे ही नीचे लाएंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा वही इमेज का डेटा है। ये आप देखिए, अब यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर पाएंगे। ये सारे काम जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये पूरा एग्जैक्ट डेटा, कोई भी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको देखिए दोस्तों सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब हम एक वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे, और वर्ड की फाइल को ओपन करते ही दोस्तों हम इसको जो है वहाँ पर पेस्ट कर देने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब आप इजीली जो भी करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको टाइम्स न्यू रोमन में ला सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो इजीली। देखिए ये आपका टेक्स्ट बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा आसान सा तरीका था कैसे आप ये काम कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ। अगर आपको कोई पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में इमेजेस होती हैं, मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ ओपन करके। ये एक पीडीएफ है हमारे पास, ये पीडीएफ दोस्तों इमेजेस की मदद से बनाई गई है। काफ़ी सारे इमेजेस लिए गए और उसको एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बना दिया गया है। अब जब हम इसे भी ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं तो ये भी सही से कन्वर्ट नहीं होती है, और ये जो भी इसमें जो सारी दिक्कतें हैं वो सभी भी आसानी से दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या होगा, आप यहाँ ड्राइव पर जाएंगे। ड्राइव पर जाने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर उस पीडीएफ को अपलोड कर लेना है। देन नेक्स्ट टाइम आपको उस पीडीएफ को जो है ओपन एज ए गूगल डॉक्स करना है। जैसे ही आप उसको ओपन एज ए गूगल डॉक्स करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, और यहाँ पर अगर कोई पीडीएफ मिलती है तो देखिए जैसे ये पीडीएफ है कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इस पीडीएफ को जो है मैं दोस्तों यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, देखिए ओपन विद हमें करना है यहाँ पर, और ओपन विद हमें गूगल डॉक्स करना है। अब दोस्तों ये 12 पेजेस की पीडीएफ है, ये थोड़ा सा एक या दो मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपका सिस्टम जैसा काम करता होगा उतना समय लेगी, और समय लेने के बाद ये पूरे टेक्स्ट को अलग कर देगी, और वहाँ से आप इजीली उस पूरे डेटा को जो है उठाकर अपनी वर्ड की फाइल में ले जाकर सेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा आसान तरीका है आपके टाइम को बचाने का, क्योंकि जब हम ये टाइप करने जाते हैं बैठते हैं तो दोस्तों वो हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें स्मार्ट वर्क करना है, और क्योंकि गूगल डॉक्स कोई अनजान या अजनबी ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है, कोई अलग से टेक्निक नहीं है, और ड्राइव का यूज़ काफ़ी सारे लोग करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने करना है इस लॉकडाउन के पीरियड में सीख भी लिया है। अभी देखिए दोस्तों ये जैसे ही हम यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि ये टेबुलर कंटेंट था तो ये आपको अलग अलग मिसप्लेस दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके मेन टेक्स्ट
फॉर्मेट में आएंगे जहाँ पर इसका टेक्स्ट लिखा गया होगा। उस टेक्स्ट को आप जैसे ही यहाँ से उठाएंगे तो वो भी देखिए दोस्तों ये आ गया है, और यहाँ से आप ये जो आप डेटा देख पा रहे हैं इस डेटा को भी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। देखिए मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद हमारी वही जो वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल में आने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पेस्ट हो गया है, मैं इसकी डेस्टिनेशन फॉर्मेट कर देता हूँ और ये आसानी से बन गया है। दोस्तों एक तरीका और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया है तो जो दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, ये जो इमेज है इसको ओपन रखना है मुझे, और अब हमें चलना है यहाँ स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पर हमें लिखना है वन लुक। ये जो एमएस वर्ड का ही पार्ट होता है, इस सॉफ्टवेयर का आज तक ज़्यादातर कुछ लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये लिखा रहा है एमएस ऑफिस में, ये साथ में ही आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट 2007। ये वन नोट पर हम क्लिक करेंगे, और वन नोट पर जाने के बाद ये जो पुराना था इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो सेक्शन एम्प्टी है, यहाँ पे जो अनफाइल्ड नोट्स हैं यहाँ हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद ये आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं स्क्रीन क्लिपिंग, ये स्क्रीन को क्लिप कर लाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए स्क्रीन क्लिपिंग करते ही ये डेस्कटॉप पर जो हमारी इमेज ओपन थी, मैं यहाँ से इतने पार्ट को कर रहा हूँ सिलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ आ गया है, ये पूरी इमेज आई है। अभी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब यहाँ से दोस्तों करना क्या है, मुझे यहाँ करना है राइट क्लिक। जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर आकर राइट क्लिक करूँगा तो दोस्तों राइट क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा गया है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। ये पूरी जो पिक्चर है उससे मुझे अकेला टेक्स्ट उठाना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आता हूँ और ये रिकग्नाइज कर रहा है पिक्चर्स को, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कर्सर आएगा, कर्सर आने के बाद मुझे करना क्या है, इस पूरे डेटा को जो है यहाँ से पेस्ट कर देना है। ये देखिए ये मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो पूरा फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, और मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करके हमारी जो वर्ड की फाइल है वहाँ लेकर चलता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी पेस्ट हो गया है, ये डेस्टिनेशन फॉर्मेट मैंने लगा दिया है। ये मैंने आपको दो तीन तरीके दिखा दिए, और ये वन लुक ये भी हमारे एमएस ऑफिस के साथ चलता है। आपको दोस्तों सिर्फ यहाँ करना क्या होता है, ये देखिए यहाँ से हम इसको हटाकर आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से आपको स्क्रीन क्लिपिंग करनी है। स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे आप, जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये जो डाटा आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है उसको आप उठा कर लाते हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर सेट कर दिया जाता है, और वहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो आसान से तरीके थे कैसे आप किसी भी इमेज को या इमेजों द्वारा बनाई गई पीडीएफ को टेक्स्ट में वर्ड फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, इन फ्यूचर आप और कैसे वीडियोस चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।